बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, बायोलॉजी में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है सेल डिवीजन, कि सेल डिवाइड किस तरह होता है। देखें, सेल जो है ना उसमें न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। ये क्रोमोसोम अदरवाइज धागों की तरह आप समझे कि गुंजर पड़ा हुआ होता है, लेकिन जब डिवाइड करने का टाइम आता है ना तो ये आपस में बिल्कुल शेप अप हो जाते हैं, आपके लिए कंडेंस हो जाते हैं या एक बिल्कुल एक दूसरे के साथ आ जाते हैं और इस तरह क्लोज हो जाते हैं, पैक हो जाते हैं, रीपैक हो जाते हैं। तो इनकी जो पैक्ड फॉर्म है ठीक, उसको कहते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक, तो हमारे ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स। 46 में दो क्रोमोसोम जो होते हैं ना वो डिसाइड करते हैं या नर या मादा होगा, मेल फीमेल, बाकी सारे एक जैसे। ओके, अब एक तो ये है कि अब ये हमारा एक आम सेल है, बड़े सिंपलीफाइड फॉर्म, इसमें तो सिर्फ दो पेयर ही नजर आ रहे हैं। तो हम समझे कि इस छोटे को हम समझ रहे हैं कि बाकी को समझने के लिए, तो इसमें आप समझे कि ये नीले जो हैं ये मेल को शो कर रहे हैं, रेड जो है फीमेल को शो कर रहे हैं, तो ये हमारा आम सेल है। ठीक, अब सोचें कि जब मेल और फीमेल ने इकट्ठे होना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल भी होती है कि जिसमें एक यूनिसेलुलर जानवर आगे अपने जैसे बना लेता है या हमारे जो आम सेल हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो एक ये है कि इसी किस्म के सेल खुद बनते जाएं, तो वो फिर उसी, अगर वो मेल है तो मेल 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 राइट बनता जाएगा। दूसरा ये है कि मेल और फीमेल के सेल आपस में मिलें, स्पर्म और ओवा, और एक सेल बनाएं। अगर आप ऐसे ही वो सेल हों जो आपस में मिलके बनाएंगे ठीक, तो फिर तो ये डबल हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे ना। क्रोमोसोम उसके भी आए उसके भी आए तो ये डबल हो जाएंगे। तो ऐसे नहीं है, है ऐसे कि जो सेल नर और मादा के फर्टिलाइज होके एग और स्पर्म मिलेंगे वो ऐसे नहीं होते। ठीक है ना, वो हाफ हाफ होते हैं। हाफ ठीक है ना, उनमें क्रोमोसोम की तादाद ऐसे होती है दिस। ठीक, तो इसका मतलब है कि हमें दो किस्म के तरीके चाहिए, एक तो इसी सेल से और सेल बनाना ताकि बॉडी ग्रो करे ठीक, लेकिन कुछ ऐसे सेल भी तो चाहिए ताकि अगली नस्ल नेक्स्ट जेनरेशन पैदा हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो उसके लिए ये सेल होते हैं। अब ये जो सेल है ना ये हमारे वो आप कह लें कि या ये स्पर्म है या ये एग है। एग और स्पर्म आम सेल से डिफरेंट होते हैं। एग और स्पर्म जो होते हैं ना ये इनमें आधी तादाद है क्रोमोसोम की, ताकि एक एग और एक स्पर्म, एक नर और एक मादा का जब मिले फॉर सेक्सुअल प्रोडक्शन तो फिर एक कंप्लीट सेल बन जाएगा, वो फिर बड़ा होता जाएगा, कंप्लीट ऑर्गन बन जाएगा। ये बात समझ आ गई? यस, ये बात समझ आ गई ना आपको? यस। कि दो किस्म के सेल होते हैं इंसान की बॉडी में, हम इंसान की बात कर रहे हैं। इंसान की बॉडी के सारे सेल इस तरह होते हैं, लेकिन कुछ सेल इस तरह होते हैं जो इंसान के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पैदा होते हैं। ठीक है ना, ओवरी और स्पर्म, फीमेल की ओवरी में और मेल के स्पर्म जो होते हैं वो इस तरह होते हैं। ये बात बतानी चाहिए। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ये सेल इस किस्म का एक और सेल भी आएगा और तो मिलके इस किस्म का नॉर्मल सेल बन जाएगा। ये जो नॉर्मल सेल है जिसमें डबल ये होते हैं इसको हम कहते हैं कि ये डबल सेल है डिप्लॉयड, ये इसमें क्रोमोसोम की तादाद डबल है, डबल से डिप्लॉयड, और इसको हम कहते हैं हैप्लॉयड कि इसमें सिंगल है। बस ये एक बात तो हमें याद होनी चाहिए। दूसरी बात ये याद होनी चाहिए कि डिप्लॉयड सेल जो बॉडी के सारे, ये तो पता चल गया ये सारी बॉडी डिप्लॉयड की है, लेकिन सिर्फ सेक्स के जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर एक खास जगह पे सिर्फ ये बनते हैं। मेल के रोजाना मिलियंस में बनते हैं, फीमेल के जितने वो बच्ची पैदा होती है ना उसको जितने वो मिलते हैं बस एक दफा मिलते हैं राइट। और वो फिर जो हम कहते हैं ना मेंसेस, वो महीने में एक एग। अब इंसान का जो छोटा तरीन सेल है वो स्पर्म है और जो बड़ा तरीन सेल है वो एग है, ये भी बताना चाहिए। अच्छा, अब डिप्लॉयड जो ऐसे सेल जो ये बना सकें, जो तोड़ के ये बना सकें हमारे सेक्सुअल प्रोडक्शन में राइट, हर सेल नहीं बना सकता ठीक है,
उनको कहते हैं हम जर्म सेल्स, राइट। ऐसे जर्म सेल जो सेक्सुअल सेल्स को, ये सेक्स सेल कह लें, बना सकते हैं तोड़ के, वो है जर्म सेल। इसके ये सारे नहीं बना सकते, इसके अलावा बॉडी में सेल होते होते इसी तरह ही हैं, लेकिन जाहिर है उनमें जेनेटिकली अंदर डिफरेंट होते होंगे, राइट। उनके अंदर जो जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं जो चीज़ों को एक्टिव करते हैं, अलग वो यकीन डिफरेंट होते होंगे। अब ये भी सेल उसी तरह का ही है, और यानी कि डिप्लॉयड है, लेकिन ये जर्म नहीं है। मिसाल के तौर पर मेरे बॉडी के जो बाकी सेल हैं वो जर्म्स नहीं है, ये जो इंसान के, लेकिन सेक्सुअल सेल्स होते हैं वो उसके अंदर जो सेल हैं वो ये बना सकते हैं, राइट। इन सेलों ने तो ऐसे ग्रो करते 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 एक ही जैसे सेल बनाने हैं, राइट। तो इसका मतलब है ग्रो करने का या सेल को आगे डिवाइड करने का, ये बड़ा हो जाएगा तो अपने आप को डबल कर लेगा, ठीक। एक तो तरीका ये कि इससे इसी किस्म का सेल बने, इससे इसी किस्म का सेल बने, ये यानी कि आप दूसरे लफ्जों में कह लो कि इससे यही सेल बने जो जिस किस्म का ये था, एक ये तरीका हो गया, राइट। कैसे होगा ये हम डिस्कस करेंगे। एक ये है कि इससे इस किस्म का सेल बने कि आगे इसके जो बच्चे सेल बने वो, इसको हम अलग कर लेते हैं। तो दो तरीके हो गए ना, कि एक तो ये तरीका है जिसमें ये सेल बड़ा होगा, डिवाइड होगा और इसी किस्म के सेल बनेंगे। यस, इसी तरह। एक ये है कि ये सेल जो जर्म सेल है उसी तरह ही उसमें क्रोमोसोम की तादाद, लेकिन ये डिवाइड होके आधे क्रोमोसोम्स वाले सेल बनाएगा। तो दो मुख्तलिफ तरीके हैं सेल को डिवाइड करने के, सेल क्रिएटिंग इट्स ओन क्लोन कॉपी, यानी उसी किस्म के उतने ही डिप्लॉयड का डिप्लॉयड ही बनाए और डिप्लॉयड का हैप्लॉयड बनाए। ये दो तरीके हैं, दो चीजें हमने सीखी हैं। वन, कि इंसान की बॉडी में तीन किस्म के सेल हैं, या दो किस्म के हैं, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। हैप्लॉयड जो है ये फर्टिलाइज होके नर मादा जब सेक्सुअल प्रोडक्शन कहा जाते हैं। डिप्लॉयड में फिर दो किस्में हैं, एक है जो अपने ही जैसी सेल बना सकती है, दूसरी ये है जिनमें जो जर्म सेल है वो आगे अप्लाई, वो इस किस्म के बना सकती है। इस तरीके का हमने नाम रखा हुआ मीटोसिस, अपने जैसे, ठीक है। टी मैंने ट्विन समझने, अपने ट्विन बनाई जा रहा है, अपने जैसे हो, हाँ अपने जैसे बना, ठीक है। अब याद रखने के लिए टी फॉर ट्विन, ये जो है ये आधे बना रहा है तो ये है मीओसिस, उससे डिफरेंशिएट कर लेंगे, ये मीओसिस है। अब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि माइटोसिस और मेयोसिस असल में काम कैसे करते हैं, जबकि स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता है। ओके, थैंक यू। ठीक है, अब हम ये कर लेते हैं कि पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये सेल कैसे अपने जैसे सेल बनाता है। फिर ये डिस्कस करेंगे कि ये सेल कैसे हैप्लॉइड्स बनाता है, ऐसे सेक्स सेल कैसे प्रोड्यूस कर लेता है। तो ये सेल बड़ा जब हो जाएगा तो एक पॉइंट आएगा कि ये डिसाइड करेगा कि अब मुझे अपने आप को डिवाइड कर लेना चाहिए, राइट। ये जिंदगी में भी लेसन है, कोई शहर बड़ा हो जाए तो क्या करना चाहिए, नया शहर बसा देना चाहिए, हम सीखते नहीं है ना नेचर से। तो ये जब ये डिवाइड करने लगता है, अब हमने जो बनाया ना इसका वो न्यूक्लियस पहले से फट गया, तो हम उसकी सादा तरीका बोल रहे हैं, उसके अंदर काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पहले तो ये सारी चीज न्यूक्लियस के अंदर पैक हुई हुई थी, तो वो न्यूक्लियस का जो बाहर मेम्ब्रेन है वो अनफोल्ड होना शुरू हो जाती है। अनफोल्ड होके सबसे पहला जो काम होता है कि ये जो चीज है ना ये रेप्लिकेट हो जाती है, ये रेप्लिकेट हो जाती है, डबल हो जाते हैं, यानी कि इस वक्त ये ऐसे है ना, ठीक, तो ये डबल हो गया, राइट। क्योंकि अब इन्होंने हर चीज को दो दो से मल्टीप्लाई करना है, और ये ऐसे है ना, तो ये इसका एग्जैक्ट कॉपी इधर बन जाती है। तो पहला पार्ट क्या हुआ, रेप्लिकेट हो गया, क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट, और ये इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेट बनाता है, उसी किस्म का अपना एक पेयर बना लेता है सिस्टर, राइट। अगला पार्ट ये होता है कि इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है जिसमें से धागे निकलते हैं जो इनको ऐसे एक दूसरे से खींच लेते हैं, इनको कहते हैं सेंट्रोसोम, राइट, इनका नाम है। सेंट्रोसोम से जो धागे निकलने, धागे को वैसे भी फिलामेंट कहते हैं। यस, ये सेल बिल्कुल ऐसे सीधा अलाइन हो जाता है, राइट, ऐसे
सीधा अलाइन ये मुझे वैसे सेल चूंकि मैं काले बना रहा हूं तो मैं इसको काले बनाऊंगा। सेल सीधा ऐसे अलाइन हो जाता है और ये जो है ना ये इधर आ जाते हैं लाइक दिस। जब इस पोजीशन में आ जाता है तो हम कहते हैं कि सेल में पोलैरिटी आ गई है। क्या आ गई है? पोलैरिटी। पोल बन गया, ये एनिमल पोल वेजिटल पोल है, राइट। इसको ऐसे करें फिर सीधा हो जाता है, जैसे मैग्नेटिक पोल होता है। तो ये जो सेंट्रोसोल है ना, ये सारा काम असल में प्रोटीन्स कर रहे होते हैं, उसमें से धागे निकलते हैं। यस, ठीक है। तो ये धागे जो है ना क्लिक क्लिक, एक्चुअली सेंट्रोसोल ये इनको इधर होना चाहिए, सॉरी, ये अगर ऐसे अलाइन हुए ना तो ये सेंट्रोसोल इधर होने चाहिए। यस, ठीक। ये और अगर मैं ऐसे करूं तो फिर इनको पकड़ने के लिए नहीं। अब इन्होंने करना क्या है कि एक नीला नीला खींचना है और एक रेड रेड खींचना है। तो नीला और रेड खींचने के लिए ऐसे नहीं इनको अलाइन होना पड़ेगा, इनको अलाइन ऐसे होना पड़ेगा। फॉर द सेक ऑफ आवर पिक्चर आप समझे कैसे, ठीक। अब ऐसे जब अलाइन होगा तो अब ये धागे निकल के इसको पकड़ लेंगे और इधर से धागे निकल के इसको पकड़ लेंगे, ठीक। ये फिर अंदर से जहां पे ये के सेंट्रोइड से बंधे हुए हैं ना, ये छूट जाएगा और ये इनको खींच लेंगे। यानी कि गोया कि इसकी हम अगली शक्ल देखें तो इसने इनको ऐसे खींच लिया होगा, किस तरह करके, ब्लू ब्लू और रेड रेड, राइट। इस तरह इसने खींच लिया होगा इनको। Yes. और इस तरह इसको हम देखेंगे तो रेड रेड ब्लू ब्लू और ब्लू ब्लू इस तरह खींच लिया होगा, राइट। उसके बाद ये हो जाएगा कि ये सेल अंदर से ऐसे पिचकना शुरू हो जाएगा और प्रोटीन्स आके यहाँ पे एक वॉल बनाने की कोशिश करेंगे और ये सेल अलहदा हो जाएगा और ये सेल अलहदा हो जाएगा। इन प्रोसेस के नाम आप पढ़ लेंगे, लेकिन अब हुआ क्या है, एज ए रिजल्ट इसमें दो ब्लू दो रेड, इसमें दो ब्लू दो रेड, इसमें भी दो ब्लू दो रेड। तो ये एग्जैक्टली उसी किस्म के दो सेल बन जाएंगे, ठीक है, जिसमें दो ब्लू दो रेड और दो रेड। अब इसको हम अगर दोबारा क्विकली रिपीट करें तो ऐसी बात बनेगी ना, राइट। सबसे पहले क्या हुआ, रेप्लिकेट। सबसे पहले क्या हुआ, रेप्लिकेट कि इन्होंने अपने सिस्टर क्रोमेट बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अलाइन हो गए अपनी एक सीधी में, पोलैरिटी आ गई, पोलैरिटी इसमें आ गई और ये अलाइन हो गए और इन फिलामेंट्स ने जो सेंट्रोसोम्स हैं इन्होंने काम करके उनको पकड़ लिया और उनको अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। खींचने के बाद इसमें ये क्लीवेज आ जाता है और सेल, ये जीन्स का प्रोसेस है और ये इसको प्रोटीन्स कर रहे होते हैं, ये दरमियान में वो दीवार खड़ी करना शुरू कर देता है, ठीक। उसके बाद फिर ये चूंकि इस वक्त तो उनका न्यूक्लियस आप कह रहे कि फट गया था, उसमें से निकले हैं ना, उसके बाद न्यूक्लियस फिर बन जाएगा, तो ये सारे फिर न्यूक्लियस में अपने आप को फोल्ड कर, तो फिर सेल आगे फिर ग्रो करने के, फिर ऐसा सेल हो जाएगा। yes. अब ये न्यूक्लियस से निकला हुआ होता है, असल में इसके बाहर जो न्यूक्लियस है ना वो इस तरह है, जो सबसे पहले तो न्यूक्लियस टूटेगा तो ये काम होगा ना, तो ये तो एक है कि इस ही सेल से इसी किस्म के दो कैसे बनेंगे, और अब हम डिस्कस करते हैं कि इससे हैप्लॉइड कैसे बनते हैं। यस, थैंक यू। अब हम दूसरा पार्ट शुरू करते हैं कि एक डिप्लॉयड सेल से ये स्पर्म कैसे बनता है, एग कैसे बनता है, यानी हैप्लॉइड हाफ वाला, हाफ H for haploid, D for double. अच्छा, इसमें आपको याद है ना, इस पहले replicate हुआ था, हुआ था? Yes. फिर align हुआ था, polarity आ गई थी, replicate और align, ठीक है, और फिर split हुआ था. Yes. अब इसमें भी इससे different है, इसमें एक step हो जाता है और फिर दूसरा step होता है, it's in two steps. लेकिन इसमें भी replicate ही पहले होता है. Yes. Right? रेप्लिकेट इस तरह होता है कि इसमें ये दो हैं, ठीक है, ऐसे yes. और
ये रेप्लिकेट हो गया। yes. ठीक, अब रेप्लिकेट होने के बाद ये उससे डिफरेंट है। मेल और फीमेल के जीन्स आपस में क्रॉसओवर होते हैं, आपस में क्रॉसओवर होते हैं, जिसकी वजह से एक मां बाप के बच्चे कभी सेम जैसे नहीं होते। वो प्रोसेस यहां है, इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉसओवर, राइट। और क्रॉसओवर में ये क्योंकि बहुत ही आपको पता है बिलियंस इसके अंदर मॉलिक्यूल है, तो कहीं से भी क्रॉसओवर हो सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि इसको अगर हम सही तरीके से समझना चाहते हैं ना, तो हम ये लिखेंगे कि ये जो ब्लू और रेड इधर बना देते हैं कि ऐसे, ठीक, और इधर भी रेड है तो इधर ब्लू बना देते हैं ऐसे, तो ये यहां पे क्रॉसओवर हो गया, ठीक। रेप्लिकेट हुए और क्रॉसओवर। अब क्रॉसओवर होने के बाद आगे अलाइन होना था, राइट। यहां पे एक नई चीज आई है, क्रॉसओवर, ठीक है ना, जो उसमें नहीं थी, राइट। अलाइन कैसे होते हैं? उसमें अलाइन हुए थे इस तरह के, उनको एक एक स्ट्रैंड को उसने खींच लिया था। yes. इसमें जो अलाइन होना है ना, इन जोड़ों जोड़ों ने होना है, ठीक है, इन जोड़ों जोड़ों ने अलाइन होना है। यानी कि ऐसे, फर्ज करो मैं कह देता हूं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, राइट। yes. अब फर्क है ना, उसमें ये चारों टुक 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 का लाइन हुए थे और फिर ऐसे खींच लिए थे, ऐसी था ना। yes. इसमें चारों नहीं है, दो दो जोड़े लाइन में, इनका हमने नाम रखा क्योंकि चार हो गए ना। yes. टेट्रेड, इसमें टेट्रेड अलाइन होते हैं और बाकी काम उसी ने करना होता है। yes. किसने? सेंट्रोसोम ने। उसने अपने धागे निकाल लें और ऐसे धागे निकाल के उसने इनको खींच लेना। अब खींचेगा तो ऑफकोर्स ये इधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, समझ आएगी। तो ये आप समझे कि एक हमारा ये भी हो सकता है और एक समझे इसी किस्म का एक ये भी हो सकता है, राइट। अब ये जो है ना, ये डिवाइड होंगे और प्रोसेस वही होगा कि सेंट्रोसोम उनको आके खींचेगा। जब वो खींचेगा तो ये अब उस तरह होंगे कि आधा इधर और एक आधा इधर, यानी मैं जल्दी बनाने के लिए, जब इसको सेंट्रोसोम इधर से खींचेगा ना, इधर से, ठीक है ना, तो ये अलाइन होंगे इस तरह करके, जिस तरह के मिटोसिस में अलाइन हुए थे। तो इसका एक ये बच्चा बन जाएगा, ये बच्चा बन जाएगा, इसका एक ये बच्चा बन जाएगा, इसका ये बच्चा बन जाएगा। अगर इसमें अलाइनमेंट को दिखाना हो तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे अलाइन हुए थे, ऐसे होके, राइट, और ऐसे हुए थे, समझे? yes. तो इसे इसको कैसे, इसे इसको कैसे, समझे? yes. अब इसमें इसको जरा रिपीट करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारा क्या हुआ, रेप्लिकेट, उसमें भी हुआ था। yes. इसमें चूंकि नर्मदा का वो चक्कर होता है तो यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, तो ये जो ब्लू है इसमें से कुछ नीला नीला पार्ट बन जाएगा, कुछ नीला ब्लू पार्ट बन जाएगा, तो ये सारा ब्लू नहीं रहेगा, यानी यहाँ पे वो एक दूसरे को उन्होंने क्रॉसओवर किया है। तो इसलिए हम बनाने के लिए इस तरह बना देते हैं कि रेड में कुछ ब्लू और ब्लू में कुछ रेड, कि उसमें कुछ प्रॉपर्टीज इधर से उधर, मेल से फीमेल, फीमेल से मेल में ट्रांसफर हो गई। ये इसको शो करने के लिए हमने ये कलर किया है कि ये उसी तरह नहीं आ रहे, ये एक दूसरे से क्रॉसओवर हो गया। तो रेप्लिकेट हुआ और रेप्लिकेट के साथ इसने क्या किया, क्रॉसओवर, जिसको कहते हैं सिनेप्स, ठीक। इसके बाद टेट्रेड बने, ठीक है, और टेट्रेड अलाइन हुए, अलाइन और पोलैरिटी आई है, उसमें भी आई थी लेकिन उसमें टेट्रेड नहीं थे, क्रोमोसोम थे सारे इकट्ठे अलाइन हुए थे, राइट। इसमें दो दो इकट्ठे हुए हैं, ये फर्क है। उसके बाद ये तो फिर स्प्लिट हो गए, स्प्लिट होने के बाद फिर ये इकट्ठे अलाइन हुए उस तरह करके, अलाइन होके फिर टूटे हैं। अब जो बच्चे बने हैं ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड, ठीक है। ये जर्म, ये स्पर्म या ओवा है, डिपेंड्स कि वो मेल से आ रहे हैं फीमेल से आ रहे हैं, स्पर्म या ओवम है। सो ये जो तरीका है डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होने का, तो एक किस्म के इसमें एक दफा तो यहां पे स्प्लिट हुआ और एक दफा यहां पे स्प्लिट हुआ, तो इसमें स्प्लिट होने के दो प्रोसेस हैं। यस,
replicate, synapse, align, polarity, split, again align, polarity, split. But इस split में tetrad है और इस split में सादा mitosis की level के split है. Good? Yes. Finish.